प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंसिया में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आप लोगों के लिए नवोदय की जो परीक्षा हुई है 11/8/2021 को, उसका जो है सब मैं आप लोग बतला रहा हूं। आज केवल डायरेक्टली आपको आंसर बतला दे रहा हूं, उसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको किस प्रकार से उसका सही आंसर हुआ उसको भी डिटेल से बतलाऊंगा। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करता हूँ। ये जो देखिये परीक्षा पुस्तिका कोड एल है, इसी प्रकार से आपको मतलब कि जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो सब एक ही तरह के हैं, लेकिन ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन नंबर जो है वो इधर उधर हो, तो आप लोग मिला लीजिएगा एल से टीए है, ठीक है। तो ये खंड एक का है, मानसिक योग्यता परीक्षा परीक्षण है। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन भिन्न है उसको छटना है, तो इसमें ए जो है वो भिन्न है, आप मिला लीजिएगा। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन जो है वो देखते हैं कि ये इस साइड है, ऐसे है, ऐसा है, ये इस तरह का है, तो ये इसमें ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है वो सही है। तीसरा में है कि टी आई सी सी, इसमें जो है देखिए ई है, सी ऑप्शन जो है सही है। चौथा में देखते हैं, चौथा में आपका जो है सी ऑप्शन जो है वो सही है। पांचवा में क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर जो है वो सी है। छ में सही ऑप्शन जो है वो डी है। सात में सही ऑप्शन सी है। आठ में सही ऑप्शन सी है। भाग तीन है, इसमें नौ क्वेश्चन नंबर है, तो नौ में जो है बी ऑप्शन सही है। दस क्वेश्चन जो है इसमें सी ऑप्शन सही है। ग्यारह क्वेश्चन जो है डी ऑप्शन सही है। सभी इसमें सही सही बताए गए हैं, आप लोग इसको मिला लें कि इतने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं, बाद में डिटेल से इसको बतलाऊंगा अभी। तो ये बारह है, बारह का ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इसके बाद जो तेरह क्वेश्चन है, तेरह क्वेश्चन में जो है वो बी ऑप्शन सही है। चौदह में बी ऑप्शन सही है। पंद्रह में जो है सी ऑप्शन सही है। सोलह जो है इसमें बी ऑप्शन सही है। सत्रह में बी ऑप्शन सही है। अठारह का ए ऑप्शन सही है, ये इस तरह से है तो इसका उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। उन्नीस जो है उन्नीस में सी ऑप्शन सही है। और बीस जो है इसमें सी ऑप्शन सही है। इक्कीस जो क्वेश्चन है इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे तो इस तरह से रचना बनेगा, सी ऑप्शन सही है। बाईस जो है इसमें इसको ऐसे पुट कर मिलाएंगे तो इस तरह से हो रहा है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है। तेईस में इसको ऐसे करेंगे इस तरह से तो आकृति मिलेगा, बी ऑप्शन सही है। और 24 जो है इसमें इसको डी को पुट करेंगे तो पूरा हो जाएगा। 25 में मिरर वाला है, पार्शिक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट्स, तो इसको मिला लेंगे हम लोग। 25 का ऑप्शन जो है डी सही है। और 26 में जो है वो ए सही है। 27 का जो है पार्शिक रूप से उल्टा सी बनेगा। और 28 जो है इसमें 28 में ए ऑप्शन जो है सही है। 29 में ये कागज मोड़ने वाला है, 29 में जो है सी ऑप्शन सही है। और 30 जो है उसका जो है ए ऑप्शन सही है। 31 में बी ऑप्शन सही है। और 32 जो है 32 में सी ऑप्शन सही है। ये 33 इसको मिलाकर कौन सा आकृति बनेगा बताना है, तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है। 34 जो है इसमें ए ऑप्शन सही है। 35 में बी ऑप्शन सही है। और 36 जो है 36 में ए ऑप्शन सही है। 37 में ए ऑप्शन सही है। 38 में ए ऑप्शन सही है। 39 का ए और 40 जो है इसका जो है वो बी ऑप्शन सही है, 40 का बी ऑप्शन। मैथ आई मिला लेते हैं, 41 का बी सही है। 42 का डी सही है। 43 का बी सही है। 44 का डी सही है। 45 का 1200 होगा लोक संख्या। 46 जो है उसमें ये 2,02,000 लिखने हैं, ये सी ऑप्शन सही है। 47 का ऑप्शन जो है वो सी सही है। 48 का बी सही है, ये सेट एल है, आप लोग मिला लीजिएगा इसको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 49 का 17 है। और ये 50 जो है इसका सी ऑप्शन सही है, बाद में इसको बना करके अगले वीडियो में मैं डालूंगा अभी बना करके सॉल्व करके। 51 जो है उसका सी ऑप्शन सही है। 52 जो है 52 का 12 ए सही है। 53 का बी ऑप्शन सही है। 54 का जो है वो सी ऑप्शन सही है। 55 का बी सही है। 56 का बी सही है। 57 का बी सही है। 58 का बी सही है। 59 का सी सही है। और जो 60 है उसका सी सही है। इसी प्रकार से जो हिंदी है भाषा परीक्षण अनुच्छेद 1, 61 का सी सही है सीट, 62 का ए, 63 का बी, 64 का ए भोजन एकत्र करते हैं, और 65 का सी। 66 का होगा उत्साहित का अर्थ क्या है, तो बहुत प्रसन्न, बी सही है।
दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। बी ऑप्शन सही है। दीपक अपने डेस्क के साथ पिकनिक पर गया था, तो चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ में बी ऑप्शन सही है। 69 जो है उसका सी होगा गांव, और 70 में होगा चावल उगाते हैं। अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 को ही पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में उसका सही आंसर होगा 71 का ए एक खेल है। 72 में होगा रस्सी खींचते हैं, सी ऑप्शन सही है। 73 का सी सबसे शक्तिशाली। 74 का जो है हार जाती है, मतलब कि 74 का बी होगा। 75 संगठित शब्द का अर्थ क्या है, तो साथ साथ, ए ऑप्शन सही है। 76 में हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, तो संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, सी ऑप्शन सही है। भार कम करने के लिए क्या दिखाना चाहिए, तो फल और सब्जियां खाना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। 78 का स्वस्थ के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, तो पानी पीना चाहिए। और कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, तो सैर करना और साइकिल चलाना, तो 79 का ए सही है। और 80 सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो निष्क्रिय होगा। इस प्रकार से 80 में से सही है, आप लोग मिला लीजिएगा और कितने मार्क्स आए बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है डिटेल से बतलाऊंगा, मैथ भी बना करके दिखलाऊंगा कि आप कैसे उसको सही सही सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के अंक में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।